आज हमारे सब भारत के माता भवानी भगवान सेवालाल महाराज के भक्तों को पोहरा देवी के बारे में आज जो हमारे सब कविकार लोगों ने पोहरा देवी में जो भगवान सेवादास महाराज एक बंजारा समाज में सूरज के समान बहुत चमक रहे हैं, आज सेवादास महाराज को कम से कम 350 साल हो चुके, लेकिन हमारे दादा परदादा इन्होंने उनके फोटो के बारे में अभी तक किसी ने प्रकाश नहीं किया। एक खास हमारे वंश के हम बाबा के सेवादास महाराज के उनके भाई के लड़के हैं जो भगवान सेवादास महाराज की प्रतिमा को जो कुछ लोग जो हमारे जो कलुषित भावना वाले जो लोग हैं वो भावना को कलुषित बना रहे हैं। बाबा के हर बातों पे चलने का छोड़ दिए। अब आजकल सब दूसरे काम उठा रहे हैं। बाबा के बारे में मुझे या बौद्ध समाज को दर्द है कि सेवालाल महाराज का जो जंगलों में रहने वाले लोग थे वो उनका कोई फोटो वोटो निकाले नहीं। हमारे बंजारा समाज में ये लोग इतने कोई पढ़े लिखे हुए नहीं थे, बहुत अज्ञानी लोग थे, बहुत जंगलों पत्थरों में रहने वाले गिरी कंदरों में रहने वाले लोग। इनको वो ज़माने में एक कोई टीवी चैनल या फोटो निकालने की कोई सुविधा नहीं थी, उसी से उनका कोई फोटो वोटो नहीं निकाले। मैं सब भारत के हमारे सेवादास महाराज के प्रेमी भाइयों और सेवादास को मानने वाले सब अपन एक तरफ से रहकर ये बाबा का जो फोटो निकाल के लोग बेच रहे धंधा कर रहे हैं वो गलत काम कर रहे हैं। सेवालाल महाराज की जय। अभी तक हमने सेवादास महाराज के बारे में जो सेवादास महाराज का जो जन्म हुआ है ये सब सूर्य की तरफ सब देश में फैला हुआ है। मुझे इस बात का बहुत बड़ा दुख है कि ये जो पोहरा देवी का विकास करना नहीं चाहते हैं, अपना खुद का विकास फोटो बेचकर अपना उधर निर्वाह चला रहे हैं। इसी के लिए हमें और सेवादास महाराज को मानने वाले को बहुत दुख हो रहा है। तो मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस सेवादास महाराज का जो जन्म श्री रामनवमी के दिन हुआ है, ऐसे हमारे पिताजी परशुराम महाराज यहाँ के मुख्य पुजारी उन्होंने कुछ पुराने हंडवली निकाली हुई है। अभी सब हमारी जो परंपरा को हमारे परंपरा को जो ये लोग कुछ लोग हमारे से द्वेष करना बहुत अपमान हो रहा है, यह अपमान करना अच्छी बात नहीं है। मुझे इस बात का दुख है कि ये फोटो वोटो बेचने वाले ये सब गलत काम कर रहे हैं, इनकी कोई बात को आप मानना नहीं। सभी ने इस पर अच्छी तरह से ध्यान देना और पोहरा देवी के विकास के बारे में हमने बहुत कुछ काम किया लेकिन गवर्नमेंट ने विकास नहीं किया। ये विकास के बारे में एक कुछ कभी सोचना नहीं चाहते।
अपना खुद का ये लोग फायदा उठाते हैं। मैं सभी से यही निवेदन करता हूँ कि बाबा का फोटो निकालना और गलत गलत ढंग से लोगों की, हमारे बंजारे समाज एक गरीब समाज है, अडानी समाज है, इनको कुछ समझता नहीं, ये गलत काम कर रहे हैं। तो मैं, मुझे आपसे कुछ राय मिलेंगी करके मैं आपसे आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। ये समाज की ये सेवा नहीं है। हमारे बड़े बड़े लोग ये बड़े बड़े ये संघ बना रहे, उस संघ में झूठा काम चला रहे हैं, ये काम करना नहीं। बाबा का, सेवालाल महाराज का, वो खुद अंतर्यामी भगवान थे कि जो मेरा फोटो लोग निकाल के ये कहीं फेंकेंगे गड्ढे में, या जैसे भगवान का फोटो बेचकर लोग पेट भर रहे हैं, वैसे वो महान पुरुष को ऐसे धक्का बैठता है। आप सभी शासन ने इस पर ध्यान देना चाहिए। जो झूठे फोटो या झूठे काम करते हैं, आजकल लोग अपने मतलब के लिए बहुत कुछ झूठा काम कर रहे हैं। तो ये कि एक गलत फोटो वोटो लेना नहीं। बाबा का फोटो सिर्फ मंदिर का फोटो ही चलता है हमारे देश में। हम भी आजकल बाबा के, जैसे महादेव जी का मंदिर रहता है, उसमें महादेव का फोटो नहीं रहता, उसमें महादेव की मूर्ति नहीं रहती, महादेव का लिंग रहता है। वैसा हमारे सेवादास महाराज का समाधि और वो खड़ाऊ की उसकी पहचान है। ये सब आप ध्यान में रखेंगे, ऐसा मुझे पूरे विश्वास है। मैं ये जान के सभी भाइयों से निवेदन कर रहा हूँ। बात आनंद की आपको बोलना चाहता हूँ कि बाबा सेवालाल महाराज का जन्म, जो हमारे पुराने इतिहास के मुताबिक जो गढ़मंगरूल यानी मंगलोर कर्नाटक ओल्ड मैसूर में बाबा का जन्म हुआ है, वो जन्म हमारे भीमा नायक बहुत बड़े पूर्वज थे, उनका जन्म मंगलोर में हुआ। और बाबा का जन्म अभी उनके माँ बाप के वंश का नाम चित्रदुर्ग में माता धर्मणी का वहाँ जन्म हुआ, वहीं उन्होंने शादी बनाए और उनका जन्म हमारे बुड्ढों के रिहा से हमारे वंशम परंपरा के हम हरदम के लिए हमारे दादा परदादा हमारे भाई बिरादरी वो ओल्ड मैसूर में रहते थे, अभी उनके मकान वहाँ बने हुए हैं। उनका जन्म सूर्यगोंडनकोप्पा तालुका होनाड़ी जिला, नया पहले पुराना जिला बल्लारी, दूसरा शिवमोग्गा और तीसरा अभी दावणगेर, ऐसा हमारे पूर्वजों ने हमको बताया। हम भी वहाँ आते जाते रहते, पूजा पाती करते रहते। जो बल्लारी में ये हमारे महान एक संत थे जो मिट्टू भूखिया नाम से, ये मिट्टू भूखिया का जन्म एक गुत्तला हमारे कर्नाटक राज्य में, वो अभी तक वहाँ परंपरा बहुत चालू है। अभी महाशिवरात्रि को बाबा के जन्म के टाइम में बहुत लाखों लोग इकट्ठे होकर बाबा का दर्शन और अपना मनोरथ पूर्ण करते हैं। ये सब अभी तक जो कुछ हुआ वो आप काम गलत करना नहीं। अभी हमारे कोई कोई लोगों ने जो सेवादास महाराज का फोटो ढंग ढंग के तरफ से निकाले, मुझे ऐसा लगता है कि सेवादास महाराज ये 20-21 साल के उम्र में ही वो स्वर्गवास हो गए। अभी ये बुढ़े लोगों का फोटो निकाल के कुछ लोग हमारे महाराज को संत कहते हैं, कोई निंदाबदी कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हर देवता की, हर धर्म के लोग निंदाबदी करना चाहते हैं। मुझे इस बात का दर्द है। मैं आपसे सब प्रार्थना करता हूँ,
ये फोटो कोई लेना नहीं, बाबा का फोटो अगर लेना है तो पोहरादेवी में उनका मंदिर का फोटो लीजिए।